अगर वहाँ पे जाना हो तो, पर मुझे नहीं लगता हम जाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनुज ब्लॉग। आई होप आप सब लोग घर पे सेफ होंगे। सो आज है 21 मई 2021। मैं हूँ अभी कोवारा भीमसेन, जो कि नागपुर से 50 किलोमीटर दूर है। सो काफ़ी टाइम से कोई व्लॉग नहीं आया है, तो हमारे कोई मतलब मेरे कोई फ्रेंड है बहुत अच्छे, तो उन्होंने एक प्लेस सजेशन किया मेरे को, तो आप वहाँ पर जाओ, व्लॉग बना के आओ। बहुत ही अच्छी प्लेस है, जो नेम है कोवारा भीमसेन, जो कि ऑलमोस्ट नागपुर से 50 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग वहाँ पे आए हैं। हाँ, तो चलिए, तब तक पहले आप हमारा जो न्यू चैनल का नाम तो मैंने चेंज कर ही दिया है, अनुज ब्लॉग। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा है चैनल का नाम। और एक मैंने चैनल के लिए इंट्रो भी बनाया है, जो कि आपको अभी 2 सेकंड में दिखाई देगा। हाँ तो भाई, आपको इंट्रो कैसा लगा यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हम लोग 4 जने आए हैं, बेसिकली हम लोग 4 जने आए हैं, 2 एक्टिवाज पे। ठीक है यार, कार हमारे पास क्या करें, अभी छोटे यूट्यूबर, कार हमारे पास नहीं है तो एक्टिवा पे ही आना पड़ेगा। हम लोग सुबह को 5 बजे घर से निकले थे, अभी 7:17 हो रहे, मतलब हमको 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पर पहुँच के। तो हमको ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए यार, हमको एक तो फर्स्ट टाइम आए हैं और एक तो गूगल मैप्स के थ्रू आया है। गूगल मैप्स इतना घुमा घुमा के अभी जाके उसने पहुँचाया है। वैसे हम लोग 1 घंटे में पहुँच ही जाते, 50 किलोमीटर है, आराम से कवर कर लेते थे, बट गूगल मैप्स ने हमको बहुत लंबा घुमा लिया, समझ लो 15 से 20 किलोमीटर उसने बहुत लॉन्ग कट घुमा लिया हमको। तो हाँ, तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पर, तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ की स्पेशल चीज़ क्या है, स्पेशल मतलब स्पेशल थिंग क्या है यहाँ की। सबसे पहले तो एक व्यू है, दूसरा बोटिंग है, और तीसरा है ट्रैकिंग, जो कि एक सवा घंटे की ट्रैकिंग रहेगी। वो आपको मैं सिनेमैटिक दिखा दूँगा, वो आपको सिनेमैटिक में दिख जाएगा। तो फ़िलहाल हमारी एक्टिवा पीछे पार्क कर दी है, हमको 10 मिनट हो गए अब यहाँ पर पहुँच के। तो फ़िलहाल यार नाश्ता वाश्ता करते हैं। ये देखो यहाँ पे नाश्ते का स्टॉल बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको, नाश्ते का स्टॉल बना हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे अपन नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, चूड़ा वगैरह जो भी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी करते हैं, क्योंकि हम लोग घर से कुछ खा कर नहीं आए हैं। मतलब चाय वगैरह तो सब पी के आते हैं मॉर्निंग में, चाय वगैरह ही पी कर आए हैं। फिलहाल अपन कुछ खा लेते हैं, पार्सल लिया है फिलहाल, तो यहाँ पे नहीं खा रहे। तो चलिए भाई, सबसे पहले आपको मैं वो जो नदी दिखा देता हूँ, जो कि बहुत प्यारी बनी हुई है, इतनी प्यारी बनी हुई है, दिल आ गया भाई। नागपुर के समझ लो फेल है, मतलब कोई भी नदी फेल है इसके सामने नागपुर की। हाँ, तो सबसे पहले आपको मैं नदी दिखा देता हूँ, ये देखो भाई दिख ही रही होगी, ये हमारा पहला दोस्त निखिल, ये दूसरा देवेश, जो कि कैमरा के सामने बहुत शाय है, शर्माता है कैमरा के सामने। सब्सक्राइब इस चैनल। दूसरा ये हिमांशु, काफी ये देवेश शाय भी है, शाय। ये नाश्ते में क्या लिया भाई आपने? चूड़ा लिया है सूखा। Guys, he is totally useless. Please do unsubscribe his channel. क्योंकि कुछ मिलने वाला है नहीं ये सब चीजों से, इससे अच्छा कुछ ढंग का देखो, मेरा इंस्टाग्राम देख लो भाई निखिल। मतलब भाई का इंस्टा देख लो, मतलब ये ब्लॉग मत देखो। ठीक है यार, ठीक है, जो तू बोले ठीक है यार। तो फिलहाल यार हम लोग कुछ नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर सबसे पहले तो ट्रैकिंग करेंगे, फिर वापस आएंगे, बोटिंग करेंगे, व्यू भी आपको मैं ऊपर ही दिखा दूंगा। सो चलिए भाई कुछ खा लेते हैं, जब तक आप लोग भी सिनेमैटिक एंजॉय करो यहाँ का।
हल्का वुल्का नाश्ता करके हम लोग निकल गए ट्रैकिंग करने के लिए। पर लेफ्ट साइड में बोटिंग है, नदी भी है, तो फिलहाल हम लोग ट्रैक करके आते हैं ऊपर तक। भाई यहाँ का जो व्यू है ना इतना प्यारा है, मैं ऊपर जाके ही दिखाऊंगा। फिर भी आपने सिनेमैटिक शायद देख लिया होगा, अगर एक बार आओगे ना सिर्फ एक बार भाई दिल आ जाएगा तुमको ये वाली प्लेस पे दिल। दोस्त बोल रहा है दिल नहीं आएगा, गुम हो जाएगा भोसड़ी के, क्योंकि यार सबसे लास्ट में मैं ही चल रहा हूँ क्योंकि ब्लॉग कर रहा हूँ, बाकी सब आगे है। आवाज़ें देखो यार कितनी प्यारी प्यारी आवाज है। चलो यार अभी मैं क्या ही ब्लॉग करूँ, थोड़ा सा ऊपर चढ़ता हूँ या तो कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो तब मैं कैमरा निकालता हूँ। कैमरा की चार्जिंग भी बहुत कम है। वही यहाँ पे बंदर बैठे हैं भाई, मैं रामटेक भी गया था तो कैमरा छीन रहे थे, यहाँ पे भी बंदर है। अब मेरी पूरी फटके हाथ में आ गई है, अगर उन्होंने कैमरा छीना मेरे से तो गया मैं। और कोई नहीं, मेरे को घर वाले तो ज़रूर निकाल देंगे। भाई कितना प्यारा झील बना हुआ है, हम लोग वापस आके शूट करेंगे यहाँ पे फोटो शूट्स वगैरह। ये देखो हमको वहाँ पे जाना है, मंदिर दिख रहा है वो मंदिर पे जाना है। कैसा लग रहा है सच्ची बताना, कैसा लग रहा है? मोदी के बाद आपने अनॉय किया है सबसे ज्यादा, बस ठीक है सह रहे हैं। नहीं पर कैसा लग रहा है सच्ची बताओ, दिल से प्लेस कैसी लगी भाई? 100 के स्केल पे 90 पे फटी पड़ी है, 100 के स्केल पे 90 की फटी पड़ी हो तो भाई आप सोच सकते हो कितना डर लग रहा है। और एक बात बताऊं आपको निखिल? बताओ ना। नहीं मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ भोसड़ी के। काश यार मेरे पास वाइड एंगल लेंस रहता तो मैं आपको और अच्छे से व्यू दिखा पाता, बट कोई नहीं यार आप लोग सपोर्ट करो, बहुत जल्द ले लेंगे। और एक हमने ट्रिप प्लान किया है जो कि बहुत जल्द होने वाली है, बहुत जल्द, बट मैं अभी बता नहीं सकता, वो सरप्राइज है। बट लॉकडाउन के कारण रुके हुए, लॉकडाउन सीधा हो जाए तब करेंगे वो ट्रिप यार। 80% हम लोग ऊपर आ चुके हैं और 30 से 35 मिनट लग गए हैं ऊपर आने में। और यहाँ का व्यू देखो कितना गजब आ रहा है, तो सोचो ऊपर और टॉप पे जाएंगे तो कैसा आएगा। हाँ तो भाई ये वाली आओ यहीं से ना, ये वाली जितनी भी फुटेज देखी आपने, हमने 10-15 मिनट का रेस्ट लिया भाई, 40 मिनट कंटिन्यू ऊपर ट्रैक किया है तो ब्रेक तो बनता ही है। अभी भी मेरा ब्रेक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी चूड़ा चालू ही है मेरा। मस्त है ना जगह? ये देखो भाई नीचे से मैंने मंदिर दिखाया था ना, वो ये मंदिर है। हमको ऑलमोस्ट 50 मिनट लग गए ऊपर पहुंचने, मंदिर के दर्शन करा लेता हूं आपको, बाद में आपको व्यू दिखाऊंगा मैं, व्यू तो खतरनाक है ही। ये मंदिर है भाई, हम ये मंदिर के लिए इतना ऊपर आए हैं सच्ची में यार। हाँ तो भाई यहाँ पे हमको दो दोस्त मिल गए भाई, सबसे पहले आप अपना नाम बता दो। अंश चौहान भाई आप कहाँ से हो भाई? भीमचौक नागपुर। अरे भाई सही हो गया यार, ये लोग भी जीरपटका से आए, हम लोग भी जीरपटका से आए। और भाई कैसी लगी प्लेस? सही लगी, लेकिन ये चढ़ते भाई लग गए, हमारे भी पूरे लग गए, क्या बताऊं आपको। हम लोग फिर भी पता है 3-4 बोतल पानी की लेकर आए घर से, अभी नीचे जाएंगे पानी, पर नीचे आपको पानी मिल जाएगा, नीचे पानी मिल जाएगा। और कैसा एक्सपीरियंस, कैसा रहा? ऊपर सही रहा, नेक्स्ट टाइम से सोचेंगे आने से पहले। नहीं सोचेंगे अपन, प्रिपरेशन करके आ जाएंगे ना, पानी ये वो वगैरह। नहीं मतलब 4 साल पहले आया था मैं, इतना कुछ नहीं था, मुझे पता नहीं था। और ये निखिल भैया सारा दिन बस एडिटिंग कर रहे, एक फोटो निकाला और सारा दिन एडिटिंग। चूतिया बना के लाए हैं भैया, बोले थे खाने को मिलेगा कुछ, खाने को मिलेगा भैया, हर एक मंदिर में लंगर थोड़ी बढ़ता है। अब भैया इनको चाहिए हर एक मंदिर में लंगर,
शिव मंदिर के भगवान भगवान के मंदिर आए हैं और देखो यहाँ पे भी लंगर चाहिए तो हद है यार। यहाँ पे वीड मिलता है गांजा। हाँ यहाँ पे गांजा मिलता है, गांजा पीना पसंद करोगे? तो भाई अंशु भाई आपका नाम क्या था? लक्की। लक्की भाई, अंशु भाई आपसे अच्छा लगा बात करके। और चलिए भाई, हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। हम लोग एक घंटे से बैठे, 8 बजे ऊपर पहुंच गए थे, बट एक घंटे से हम लोग ऊपर ही बैठे हैं, भाइयों के साथ बातें कर रहे हैं, फोटोज निकाले हैं, मतलब चिल कर रहे, समझ लो बहुत पीसफुल जगह ये है। आना चाहते हो तो भाई गूगल मैप्स की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से आ सकते हो। और चलिए भाई, नीचे जाने का टाइम हो गया है, नीचे बोटिंग भी करना है, फिर घर भी निकलना है। चलिए भाई, नाश्ता वाश्ता कंप्लीट करके अभी हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने। सेफ है ना भैया? घर वापस जाएंगे ना? हाँ, घर जाएंगे वापस। और अगर हमारा कोई सब्सक्राइबर आता है तो उसको डिस्काउंट मिलेगा क्या? हाँ, मिल जाएगा। अगर आप हमारे थ्रू आ रहे हो, हमारे चैनल का नाम लोगे अनुज ब्लॉग, 08 सनीश मत लेना, 08 सनीश मत लेना, अनुज ब्लॉग लोगे तो भैया थोड़ा सा आपको डिस्काउंट दे देंगे। चलिए भैया खिला लीजिए। ये देखो भैया मछली, भैया मछली तो नहीं निकालेंगे पर हम दिखाएंगे अपने व्यूअर्स को। भैया जिंदा है ये? जिंदा है, तड़प रही है। अच्छा, इससे मछली पकड़ोगे क्या? और मछली पकड़ोगे कि इससे और कुछ होगा? एक मिनट। अरे रे वंशा, हाँ थोड़ा ऊपर करो। ये भाई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मजा ही आ गया यार। निखिल, वीडियो और फोटो, हाउ यू फील? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और मतलब ठीक है अभी। ये मेरा डोरीमोन लग रहा है, सही में यार, सही में डोरीमोन लग रहा है। कैप पहन ले बस। अब बबलू इतना पीछे से आया है, पर मुझे नहीं लगता हम जाएंगे, पर जाना भी नहीं, हमारी पटरी है ऑलरेडी। ये देखो कितना प्यारा बना हुआ है। भैया ने पूछा हमने ऊपर जा सकते हैं तो भैया ने बोला नहीं यार, ये तो फोटोशूट करते हैं हम लोग, ऐसे फोटोशूट समुद्र के बीचों बीच भी कर सकते हैं। कैसा है मंचू भाई? ये हमारा फोटोग्राफर। पानी डाल रहा है मंचू। तो चलिए भाई, हमारी बोटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, अब घर जाने का टाइम आ गया है। और बोटिंग चार्जेस है 50 रुपीस, बाकी आप यहाँ पे आना चाहते हो तो उसका चार्जेस कुछ भी नहीं है। तो चलिए, आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और इंस्टा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो इंस्टा पे भी फॉलो करना ना भूलना। सो मिलता हूँ आपको सीधे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।